कैसी हैं दीदी? ठीक हूँ भैया, ये लीजिए दूध। थैंक यू। अच्छा ये भैया अभी तक का कितना हिसाब हो गया अपना? ये जी नया महीना ही तो स्टार्ट हुआ, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, तो 100 रुपए हुए। 100 रुपए हो गए ना। ये लो आज तक का हिसाब हो गया। वो मैं कह रही थी कल से मत लाना दूध। क्यों? वो कुछ नहीं, वैसे ही बस लगता नहीं है इतना अब। नहीं नहीं, कहीं और से आप लोग दूध ले रहे हो क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बस जरूरत रहती नहीं है ना अब इतना तो। क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। वो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं रही अब, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सेविंग्स भी इतनी है नहीं कि रोज रोज खर्चे कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी 1 किलो दूध है, 4-5 दिन चल ही जाता है, इतना लगता नहीं है। मैं कॉल करके मंगा लूंगी जब जरूरत रहेगी। थैंक यू। दीदी मैं आपको हर रोज दूध देने आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भैया आप 5 साल से मुझसे दूध ले रहे हो ना, कभी भी आपने पैसे देने में कोई देरी नहीं की। अब अगर आपका बुरा टाइम आया है तो मैं आपको दूध देना बंद कर दूं, ये तो गलत है ना? पर भैया उधार का दूध कब तक लेंगे ना? उधार नहीं है वो, आप मेरी तरफ से समझिए, जब भी आपके हस्बैंड की जॉब लग जाएगी ना तब आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप दूध मेरी तरफ से समझ लीजिए। भैया देखो मुसीबत छोटी नहीं है, कह नहीं सकते कब नौकरी लगेगी, कब गाड़ी पटरी पर आएगी, कब पैसे दे पाऊंगी, दे भी पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। आप मेरी बहन जैसे हो ना, कभी तो गाड़ी पटरी पे आएगी। देखिए अभी आपका बुरा टाइम है, कल को मेरा बुरा टाइम भी तो आ सकता है, तो मैं आपके बुरे टाइम में आपकी मदद कर रहा हूँ, जब मेरा बुरा टाइम आएगा ना तो आप मेरी मदद करना, ठीक है? और उल्टा आप तो बल्कि, अरे नहीं भैया, मेरी तरफ से ना ये गुड़िया को ना चॉकलेट भी दीजिएगा। अगर और भी कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, मतलब आप मेरी दुकान से कुछ भी ले। आपने कह दिया इतना ही बहुत है।